देखो कानून तो सारे वास्ते बराबर है, कानून ना तो किसी वास्ते नरम होंदा है तो ना किसी वास्ते सख्त होंदा है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए है। एक जिहड़ा सख्त शब्द जदों कह देंदे है कोई सख्त शब्द दे नाल कानून कोई सख्त नहीं हो जाना। हाँ कानून जिहड़ा लागू होना चाहिए है, जिहड़ियां जे रिपोर्ट्स कोई आईयां ने जिहड़ियां हाई कोर्ट दे विच हाई कोर्ट दी डायरेक्शन ते जिहड़ी एस आई टी बनिया सीगियां उन्होंने रिपोर्टां उत्थे ड्रग नूं लै के दित्तियां सीगियां और रिपोर्टां जिहड़ियां सुनवाई तों बाद ओपन होईयां ने, ते ओपन तों बाद क्योंकि इनफोर्समेंट एजेंसी जिहड़ी आ पंजाब पुलिस है उन्होंने उहदे उत्ते कार्रवाई करनी है, ते वह कुदरती है कि जिहड़ी हुण कार्रवाई करन वास्ते दित्ती है ते उहदे उत्ते कार्रवाई होनी चाहीदी है। जिहड़े वी कोई गुनाहगार ने वो कटहरे च खड़े होने चाहीदे है। पर एक गल जरूर है कि जिहड़ी पंजाब दे अंदर ड्रग दे नां दे उत्ते कोई कार्रवाई करन दी थां ते कोई नीतिगत कार्रवाई करन दी थां ते जिहड़ी गंदी राजनीति कीती गई है जिन्हें पंजाब का भी नुकसान किया है, पंजाब की सियासत का नुकसान भी किया है, पंजाब के सियासतदानों के किरदार का भी नुकसान किया है। तो देखो ये सियासत का शिकार जिहड़े है किसी नूं ओला नहीं कि सब बिक्रम सिंह मजीठिया वर्गे जिहड़े इन्हां लोकां ने बनाए और उहदे बारे केजरीवाल माफ़ी भी मंग के गया और हुण भारत भूषण आशू जिहड़े जेल चों होके आए उह कहिंदे कि दोष असीं भी बड़े लाउंदे रहे। हाँ जी बिक्रम सिंह मजीठिया बारे गल्लां असीं भी बड़ियां करदे रहे पर असीं हुण महसूस करदे हैं कि असीं किहड़े पासे नूं तुरे हैं। ते हाँ पर जे किसी ने कोई गुनाह कीता है ते उहदे ते कार्रवाई होनी चाहीदी है। अच्छा बलटवा साहब, बलटवा साहब तुहानूं वी याद होवेगा पिछले दिन इसे मुद्दे ते सीएम मान ते बिक्रम मजीठिया मो सामने हुए सन। बिक्रम मजीठिया ने सीधा सरकार नूं वी चैलेंज कीता सीगा कि जे हिम्मत है तां रिपोर्टां खोल के विखाओ, पर सरकार ने तुहानूं कार्रवाई तक दी वी गल कह दित्ती है। नहीं ये तो किसी ने क्या कि रिपोर्टां हिम्मत है तो रिपोर्टां खोल के दिखाओ भी बिक्रम सिंह मजीठिया ने रिपोर्टां खोलन तो रोक लेना है। जिस तरह ये गल्लां करदे सी बिक्रम सिंह मजीठिया ने क्या कि जे हिम्मत हैगी तो फिर मृत्यु मुकदमा दर्ज कर दिओ। हाँ जी तुसीं इवें गल्लां जो करी जांदे जे पहले मुकदमा दर्ज किया हाई कोर्ट ने झाड़ी पाई है ना जी, नाले बिक्रम सिंह मजीठिया ने जमान दिती है, जमान दे विच जो कुछ उन्होंने ऑब्जरवेशन दित्तियां ने हाई कोर्ट ने, हाँ जी उहदे विच जिस तरह के सवाल उठाए ने उस जांच दे उत्ते उस मुकदमा दर्ज करन दे उत्ते तुसीं दस्सदे हो दुनिया दे उत्ते कोई अजिहा केस हैगा जिहड़ा स्टेट दे डीजीपी कंप्लेनेंट बनिया होवे। तीन ए डीजीपी हथ खड़े करके कि झूठा केस असीं दर्ज नहीं करना बिक्रम सिंह मजीठिया दे उत्ते। आखिर डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय दे आप कंप्लेनेंट बनता है साफ सुथरी शख्सियत है और उस बंदे नूं गिण मिथ के टारगेट किया गया और जो कुछ भी टारगेट का भी जिहड़ा इंतहा तक जा सकते सी उत्थों तक जा आया, जे इस तों भी गांह जाना तो उत्थों तक भी चले जाना, पर यह ध्यान रखण के दिन आउंदे जांदे रहिंदे। नहीं बुलटवा साहब जेकर सरकार जांच की गल कह रही है तो की अकाली दल नूं कोई खदशा नजर आता है, कोई होर मंशा नजर आती है इस दे विच? यार इस तो बाद जांच की कर लेंगे, मुकदमा जिहड़ा दर्ज किया है इस तो वड्डा तो मुकदमा कोई नहीं है जिहड़ा बिक्रम सिंह मजीठिया के विरुद्ध दर्ज किया सीगा, उहदे बारे जे जो कुछ भी हाई कोर्ट दे विच जो कुछ भी सुनवाई हुई हाई कोर्ट ने उहदे बारे जो ऑब्जरवेशन दित्ते ने। नहीं पर बटवा साहब तुसीं वार वार मजीठिया का जिक्र कर रहे हो सकदा है कोई जरूरी तां नहीं मजीठिया का ही जिक्र होवे, होर भी कई वड्डे नैक्सस की गल की जा रही है, वड्डे अधिकारियों की पुलिस अधिकारियों का भी जिक्र तक की गल कही जा रही है। नहीं नहीं मैं कोई बिक्रम सिंह मजीठिया की गल नहीं की, मैं तो की नहीं तुसां गल छेड़ी ना जी जिहड़ा तुसीं कह रहे हो कि टारगेट किया जा रहा बिक्रम मजीठिया, मैं तो कहता मैं कह कि बिल्कुल एक गंदी सियासत करके उस मनुख नूं टारगेट किया गया उन्हें शिकार बनाया गया और अज भी जिहड़ा आ जिस तरह की तुसां कहो भगवंत मान ने फिर चैलेंज किया अगले बंदे चैलेंज का जवाब जिहड़ा साहब बिक्रम सिंह मजीठिया ने दिता हुण जिहड़ी गल जिहड़ियां इह रिपोर्टां ने इहनां दे विच की है की नहीं इनवैसटीगेशन का पार्ट इनवैसटीगेशन होनी चाहिए है, असीं तो कहिंदे ठोके होनी चाहिए है और जिहड़ा पंजाब की समस्या बनी हुई है जो कोई रोल अदा कोई करता है कोई भी करता है चंगा अदा करता है अभी उन्हें चंगा कहांगे।
नहीं ओवरऑल बल्टवा साहब जेकर इन्होंने तीन रिपोर्टों की गल की जाए चाहे उस कोई भी होवे किसी का भी जिक्र होवे चाहे कोई सियासतदान है चाहे कोई पुलिस अधिकारी है तो अकाली दल स्वागत करता है किसी भी तरह की जेकर जांच की जाती है कार्रवाई की जाती है ओवरऑल मैं तो कह जी मैं तो पहले बड़ी दोहरा दिता कि जिस जिहड़ा भी कोई गुनाहगार है हाँ जी इनवेस्टिगेशन होनी चाहिए है और जेडे कोई तत् सामने आते ने उन्हां ते कोई भी होवे उहदे विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।